तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत एक बार फिर से दाजे गेम्स की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज मैं फिर से कर रहा हूँ सर्वाइवल राफ्ट। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, देखो पिछली वीडियो के अंदर अपन आइलैंड के ऊपर गए थे सब ये चेक करके, पर ये गेम के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये होती है कि अपने को रिसोर्सेज कलेक्ट करना पड़ता है। तो देखो रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद भी मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज बचे नहीं है, इन्वेंट्री ऑलमोस्ट फुल है क्योंकि मेरे पूरे चेस्ट खाली है। और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को बनाना है जिसके लिए अपने को बहुत सारा सामान लगता है, और ये जो रिसोर्सेज बस जाते रहते हैं तो इस पर अटेंशन दे के अपने को को कलेक्ट करना पड़ता है ऐसा फेंक फेंक के। तो इससे जो मेरे हाथ के अंदर भी छाले आ चुके और देखो मतलब बहुत टाइम लगता है। तो इसी के अंदर गेम वालों ने कुछ सोचा और 16 लेवल होने के बाद ही देखो अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आ जाता है रिसोर्सेज नेट, जो कि बनाना थोड़ा सिंपल और थोड़ा कॉस्टली है। देखो 4 प्लैंक लगते और 12 लगती रोप, रोप सबसे ज्यादा महंगी, और उससे अपन बना सकते हैं एक रिसोर्सेज नेट जिसका यूज मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। और रिसोर्सेज नेट को यूज करके इजिली आप रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज नेट का मैं बता देता हूँ, रिसोर्सेज नेट अपन उधर बनाने वाले हो लाइन के अंदर, तो उसके वास्ते अपने को जमा करना पड़ेंगे 12 रोप और सी अपने को 4 प्लैंक। मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड से बोल रहा हूँ कि अगर अपने को कुछ कलेक्ट करना है तो वो सिर्फ सी वीड कलेक्ट करना है, उसके अलावा अपने कोई चीज़ की नीड नहीं होगी अगर अपन सी वीड कलेक्ट करते तो। पर देखो जैसे ये बेहतर रहता है तो इससे अपने को जाके लेना पड़ता है, जिससे कि अपने को शार्क का काटने का भी खतरा होता है क्योंकि आ गई शार्क। और देखो मैंने उधर थोड़े से की बना के रखा हूँ और मैं मरने वाला हूँ। सबसे पहले इन्वेंट्री के अंदर जाके मुझे कुछ खाना पड़ेगा, और एक शार्क मर गई थी जिससे कि अपने को एक शार्क मीट मिल चुका है, इसको अपन पकने डाल देते हैं। और खाने के लिए कुछ है क्या? ना ना ना, ओ कुक्ड आलू है, कुक्ड आलू ले लेता हूँ और एक खा लेता हूँ बस। और एक गिलास लेके जितने मैंने जमा करके रखा हूँ पानी, इससे पानी ही पी सकते अपन, बस यहाँ से भरना है। और ये मैंने बनाया हूँ देखो क्या बोलते हैं इसको, वाटर टैंक भी बनाया हूँ जिसको रेसिपी बहुत सिंपल है, बता देता हूँ तुम लोग को पता ही रहेगा। ये वाटर टैंक बनाने पर 2 स्क्रैप और 2 प्लैंक लगते, इतना सिंपल, कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। पर अपने को जो रिसोर्सेज नेट बनाने का था, देखो मैं इधर आके बता देता हूँ आपको, रिसोर्सेज नेट मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ ताकि वीडियो के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और मैंने एक अल्टरनेट लगाया हूँ, देखो जैसे एक आता है रिसोर्सेज इसके ऊपर जाके यहाँ एक रिसोर्स स्टक हो जाता है, मतलब 2 नहीं आते एक ही आते, तो इसको बस अपन डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन उधर कुछ दूसरा काम कर रहे रहोगे तो भी जब तक ये फुल हो जाता है, जिससे कि अपने को बस इजीली रिसोर्सेज मिलते रहते हैं। देखो हर एक फुल हो गया थोड़ी देर के बाद, देखो पर कुछ मिस हो जाता है इसीलिए अपने को पूरा करना है। ये भी फुल कर दिए और ये जंप करके नहीं ले सकता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इससे पकड़ गया। इन्वेंट्री फुल हो गई, अपने को चेस्ट भी बनाना पड़ेगा। और उससे पहले देख लो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री हो चुकी पूरी तरीके से फुल, और अपना सामान थोड़ा पड़ा है इसके अंदर। तो अपन जाके पहले करते हैं इन्वेंट्री खाली, और अभी शाम होने वाली है और मर्चेंट आया नहीं अभी तक, क्योंकि लास्ट 2 वीडियो से तो मर्चेंट देखो आ ही रहा है हर वीडियो के अंदर, और शायद से आज वीडियो के अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो भी जैसे बटाटा हो गया, ये हो गया, ये हो गई, ये सारी चीज़ें रख दो। अब जैसे कि अपन ने बना चुके रिसोर्सेज नेट, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपने को मिलने वाला सामान, तो देखो यहाँ से पहले इसको कलेक्ट कर लेते, इसके अंदर रखता है, इसमें भी रखे, कलेक्ट इसके लिए करना ज़रूरी है इसको, क्योंकि इससे और भी अपने को मिलते रहे। ये देखो ये आता है, ये भी आ गया इधर, ये भी आ गया, सारी चीज़ें अपने को मिलते रहती है। तो अब बना के बता देता हूँ मैं कि किस तरह आपको बना लेना, और पूरा आखिर तक मैं इसको पूरा फिल करने वाला हूँ ताकि अपने देखो ऐसे रिसोर्स आते रहे। अपन बात कर रहे थे वीडियोस के अंदर, और जब तक देखो ये रिसोर्सेज यहाँ आ गया है, ठीक है। टाइमर में जाना है सबसे पहले, देखो सबसे पहले उससे भी पहले अपने को बना लेना है जितनी हो सके उतनी रोप, और रोप बनाने के बाद बस जाके हैमर के अंदर जाके इसको करना है बिल्ड। ये हो गया बिल्ड, और इसका बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ आपको बिल्ड करने का, कि देखो वाटर फ्लो उस साइड से इस साइड आ रहा है, और मर्चेंट भी आ गया वीडियो के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर देखो वाटर देखो सामने से जैसे कि इस साइड आ रहा है, याद रखना कि इसी साइड फेस करके लगाएं, जैसे इस साइड फेस करके लगाएंगे या फिर ऐसी लाइन में अगर लगाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगे, इसीलिए अपने को इस साइड लगाना है। और ये ऐसे इसको कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और जाता हूँ सबसे पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, अदरवाइज मैं मर जाऊँगा। उससे पहले एक बटाटा खा लो, क्योंकि खाने से पानी और कम होता है, अगर पानी ज़ीरो रहेगा तो अपना पानी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। और जब तक मर्चेंट आया है, कहाँ है मर्चेंट, मैं मरने से पहले तो पानी पी लेता हूँ, मर्चेंट कहीं नहीं जाने वाला, मर्चेंट तो यही रहेगा। इस बार मर्चेंट उस साइड से आया, हर बार तो उस साइड से आ रहा था, अब इस साइड से आया, मतलब ये दुनिया का चक्कर लगा रहा है और यहाँ तक भर ही गया। मैं पानी और एक गिलास पी लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर है, और पानी ख़त्म हो गया, ये दोनों टैंक खाली कर दिया, एक टैंक फुल है मेरे पास, तो इसमें से पी लेता हूँ।
ठीक है चलो, पी वी के से सब हो गया और अपना मर्चेंट भी आ चुका है, तो अपना सब सामान जो कि अपन हर वीडियो के अंदर होता है जो कि बेचना होता है वो बेच डालते हैं, और देखते हैं मर्चेंट ने इस बार क्या लेके आया इसके अंदर। मर्चेंट के अंदर इसके लिए इतना बता रहा हूँ क्योंकि मर्चेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बहुत सारा सामान ये करने वाला है। और ये है सारा अपना सामान जो कि अपने को नहीं चाहिए, और ये अपन ने 2,234 रुपये के अंदर बेच डाले, और सी वीड बस 3 ही हुई। इसका कितना प्राइस है, 15 रुपये का मिलता है एक साको। पर ठीक है चलो, सबसे पहले इसके अंदर आते हो तो ये माइक्रोवेव नहीं चाहिए अपने को, ये चाहिए एक ब्लू प्रिंट, ये चाहिए ब्लू प्रिंट, एमओ नहीं चाहिए। 800 रुपये का एमओ, 600 रुपये का एमओ मिल रही है, और अपने को ऐसी मिल जाती है ये। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए इंपॉर्टेंट है, अम्ब्रेला ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये ले लेते हैं स्पीकर, बाकी कुछ नहीं चाहिए ठीक है। और देखो मैं जैसे इसके अंदर जाके और रिसोर्सेज बनाता हूँ, पर ब्लैंक नहीं है तो एक बार रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, और हैंड को हमेशा कोई चीज़ से पकड़ के रखना ताकि हैंड खाली रहे, और एक बार में एक ही चीज़ लेता है बस, और कुछ नहीं। और शाख आ गई, शाख आ गई है, और ये शाख बहुत परेशान कर रही है, मेरा प्लेटफॉर्म ना तोड़ दे इसको मारो। हर वीडियो के अंदर शाख, और ये तो कंपलसरी हो गया आपके वीडियो में कि बस ये सीरीज ये शाख और इसके साथ चल रही है। बस प्लेटफॉर्म तोड़ी मैंने, बना दिया। और भी वीडियो के अंदर कुछ बनाना था, जैसे कि रात हो रही है ना अभी, रात को देखिए रात भर अगर काम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए अपने को इधर एक बनाना पड़ेगा बेड, जो कि अपन इधर एक बना लेते हैं। देखो सारी चीज़ें अपन ने ले चुके हैं, और आज की वीडियो के अंदर अपन बेड भी बना लेते हैं, जो कि ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेड बन जाएगा। किधर बनाए, किधर बनाए, किधर बनाए, इधर बना लेते, बस एक बेड बन चुका है, और सो जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग, और देखो गुड मॉर्निंग हो चुकी है इसके अंदर, और पूरा दिन निकल गया इसके अंदर। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि नाइट सर्वाइव हो जाती है, ऐसा अंधेरे में काम नहीं करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो देखो रात, ओह म्यूजिक ऐसे आया, मैं बोला कोई प्लेन आया क्या। और ये सीवीड मत जा, 4 सीवीड है, और यहाँ का प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा कवर करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इधर एक बहुत अच्छी चीज़ बनाने वाला हूँ मैं, जो कि अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले इधर। और ये मेरे सामने रिस्पॉन होना बंद कर दे डेवलपर लोग, और देखो जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करते जाऊँगा, प्लेटफॉर्म बनाते जाऊँगा, मेरा लेवल भी अप होते जाएगा, और बस खत्म हो गया, इतना ही बना सकते थे। प्लैंक की कमी पड़ रही है, पर प्लैंक से ज़्यादा अपने को रोप की कमी पड़ रही है, तो प्लेटफॉर्म मैंने इतना बना दिया हूँ, और वो मर्चेंट भी आ गया। और आज की वीडियो के अंदर जो अपन ने बनाया हुआ है, एक रिसोर्सेज नेट और एक बनाया बेड, और अगली वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ अपन हटा डालेंगे यहाँ से, और कोई अच्छी जगह पे से अरेंज कर डालेंगे। और किसी के पास अगर अच्छा कोई घर का डिज़ाइन है तो मुझे डिस्कॉर्ड के ऊपर भेज सकता है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो, इंस्टाग्राम के आईडी के ऊपर फोटो स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दो मुझे, इस तरह डिज़ाइन बनाओ, अपनी अपनी डिज़ाइन बनाओ, मैं अगली वीडियो में हो सके उसे फीचर कर दूंगा, या फिर आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर फीचर करके बता दूंगा। और जो डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा घर का, मैं सर्वाइवल ड्राफ्ट के अंदर वही डिज़ाइन बनाऊंगा। तो अगर किसी के पास भी कोई अच्छा डिज़ाइन तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भेज दो, इंस्टाग्राम आईडी देखो यार स्क्रीन पे लिख के आ रही है, या फिर कमेंट के अंदर बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इंस्टाग्राम का। और ये सारी चीज़ें मैं कलेक्ट कर लिया हूँ, बस अपने को यहाँ से रिसोर्सेज नेट लगाने हैं, और मैं एक काम करता हूँ पूरे पे रिसोर्सेज नेट लगा लेता हूँ, रिसोर्सेज नेट एक बार ये लाइन पे पूरी लग जाए, उसके बाद मैं इसे और आगे तक बढ़ाने वाला हूँ। मतलब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब इन्वेस्ट करोगे इधर जब भी जाके अपने को रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली मिलेंगे। देखो अभी सब चीज़ तो अपने बना ली, अपना रिसोर्सेज नेट भी बनाना तो भी बना लिए, और अभी बस जाते अपना कैमरा और एक बार ओवरव्यू दे देते अपनी राफ्ट का कि कैसी राफ्ट बन चुकी है डे 4 के एंड तक। इधर अपने रिसोर्सेज नेट बन चुके पूरी अच्छी तरीके से, जो कि मैं तुमको बता देता हूँ जूम करके, ये मेरा मर्चेंट हर वीडियो का साथी, जब तक ये सीरीज चलेगी जब तक हर वीडियो में शायद से मर्चेंट आएगा, और थोड़ा सा ऊपर हो जा, थोड़ा सा ऊपर, बस दिस इज़ द परफेक्ट व्यू थंबनेल के लिए। और ये रहा अपना रिसोर्सेस नेट, ये थंबनेल पे जाएगा फोटो, और ये अपनी राव इतनी बड़ी बन चुकी है डे 4 में, और भी इसको बड़ी करना है अपने को आगे आने वाली वीडियोस में। तो बस आज के लिए तय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना दाइजेब गेम्स को, और आप करें शुभ।